तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग एंड एडवांस एक्सेल वीडियो माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोजेक्ट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली जो हमारी ये जो वीडियो प्रोग्रामिंग है, इसका यूज मैं करना चाहता हूं एक छोटी सी फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन वाले फीचर्स के लिए। अब ये क्या है फाइल एंड क्रिएशन वाले फीचर्स, क्या है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं मैं और मुझे कुछ फाइल डाउनलोड करने पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है सर कि जब हम फाइल को डाउनलोड करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है वो कोई फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाता है, फाइल को एडिट करता है। समझ में नहीं आया, मतलब जैसे आप क्लिक करते हैं फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं ना सर, जी सर, उस तरह का चीज नहीं है। हमें पहले एक फाइल का लोकेशन देना होता है उसको कि भैया इस फाइल में आपको डाउनलोड करना है। वो क्या करता है, डेटा को उसी फाइल में कॉपी पेस्ट कर देता है। समझ गए? यस सर। तो क्या है कि हर दिन मुझे क्या करना होता है कि एक एफ ड्राइव में जाना होता है, मुझे मेरे पास एक ड्राइव है एफ का, मुझे इस एफ ड्राइव में जाना होता है और इस साल का फोल्डर 2020 चल रहा है, 2020 के फोल्डर में जाना होता है। उसके बाद महीना चल रहा है साथ, अगर महीने का फोल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो उस महीने के फोल्डर में जाना होता है। और तारीख 16 है तो 16 का फोल्डर बना के और फिर उसके अंदर हमारा जो एक फाइल है, एक फाइल बना देना। समझे? ठीक है सर। क्या ऑटोमेटिकली हो जाए ऐसा? हम चाहते हैं कि हम सुबह सुबह उठें और एक बार मैक को रन कर दे तो ऑटोमेटिक फोल्डर चेक करके फाइल बना दे, हमें ये टेंशन ना हो बनाने की। तो प्रॉब्लम समझ गए आप लोग? आप समझ गए ललित जी एंड अभिषेक जी? यस सर, यस सर। चलिए अब इसके लिए हम करते हैं, तो हमने विजुअल बेसिक पे गया, मॉड्यूल्स पे गया, एक नया मॉड्यूल्स को ले लिया, सब्जेक्ट डिफाइन किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे एफ एल सी नाम का एक फाइलर बना दिया, फोल्डर क्रिएशन नाम का हमने बना दिया। ठीक है, चलिए तो इसका आगे बढ़ते हैं। इसमें अब इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि डेट वाइज चाहिए ना, तो हमें पता नहीं कि डेट, सिस्टम डेट तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर। यस सर। एक फॉर्मूला होता है सिस्टम में डेट का, क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता है, हमें डेट से लेना नहीं है, हमें तो मंथ ईयर डे अलग अलग चाहिए ना। तो एक फॉर्मूला होता है ईयर का जो कि डेट में से ईयर को अलग करता है, तो ये सिस्टम डेट जो होगा उसमें से ईयर को अलग करता है। फॉर्मूला है तो इसको लोकेशन तो चाहिए कि आखिर ये सेव कहां पे करेगा। यस सर। लोकेशन तो होना चाहिए ना कि सेव आखिर कहां करेगा। जी सर। तो यहां पे हम वाई नाम का एक वेरिएबल दे देते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड देते हैं ना, इसी तरह से हमने यहां पे ले लिया। तो अब क्या होगा कि जब माइक्रो रन होगा तो सिस्टम में एक वाई नाम का जगह क्रिएट होगा और ईयर जो फॉर्मूला है, ईयर में स्पेलिंग मिस्टेक है माफ कीजिएगा, ईयर का जो फॉर्मूला है वो ईयर का जो रिजल्ट है वो वाई पे स्टोर हो जाएगा और जहां भी मुझे ईयर चाहिए होगा, ईयर का रिजल्ट चाहिए होगा, वहां पे हम वाई को यूज कर रहे हैं। आगे? Yes, sir. अब इसमें हम मंथ के लिए भी ऐसा ही करते हैं, एन इक्वल टू मंथ, ईयर के लिए भी ऐसे, सॉरी डे के लिए भी ऐसे करते हैं, डे इक्वल टू मंथ, मंथ डे ना होगा,
सुबह से क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद दिमाग दौड़ा रहा है। हमने ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया, मैं जिस दिन इस फाइल को रन करूंगा उस दिन का डेट, उस दिन का डेट से ईयर मंथ अलग अलग आ जाएगा। यहां तक समझ गए? अब आती है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करें। हमने फाइल क्रिएट करना तो कल बताया था ना, चलिए फोल्डर क्रिएट करना बताते हैं। फोल्डर क्रिएट करने का होता है mkdir, देखिए मेक डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म होता है mkdir, mk से मेक और dir से डायरेक्टरी, याद रहेगा? हां जी सर। अब इसमें हमें लोकेशन देना होता है कहां बनाना है। जैसे कि मुझे अगर डी ड्राइव के अंदर में, तो डी नहीं एफ ड्राइव के अंदर में 2020 चाहिए, तो हमें यहां क्या करना है कि एफ ड्राइव देना है और 2020 दे देना है। लास्ट में होगा ना वो क्लियर कर देगा। 2020 के अंदर मुझे सातवा महीना चाहिए तो कर देना है, इसके अंदर है मुझे अगर मान लीजिए 16 करना है तो 16 कर देना। लेकिन याद रखिएगा एक बार में एक ही फोल्डर बनाएगा, ऐसे इकट्ठा दे देंगे तो नहीं बनाएगा, तो इस लाइन को मुझे 3 बार लिखना है, समझे? ओके सर। यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 7 के अंदर 16, क्लियर है सर? यस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है ना सर, ये तो फिक्स हो गया ना, मैं रन करेंगे तो यही फोल्डर क्रिएट करेगा ना सर। तो हमें क्या करना है, हमें लिंक करना है हमारा जो ये ईयर जो है इससे हमें इसको लिंक करना है। तो कैसे करेंगे, इसलिए फिर एक्सेल पे आपको समझाता हूं मैं। जैसे कि जो वीवीए का फॉर्मूला टुडे का है, वीवीए का जो डेट का फॉर्मूला है और एक्सेल पे टुडे हो गया, तो टुडे फॉर्मूले से मंथ ने क्या किया, मंथ अलग कर दिया, ईयर ने क्या किया, ईयर अलग कर दिया, और डे ने क्या किया, डे अलग कर दिया। अब मुझे एमके डायरेक्टरी को इस तरह का फोल्डर चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि यहां जो 2020 है वो मैनुअल ना हो, ईयर के फॉर्मूले से कनेक्ट हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, इक्वल दे के फॉर्मूला लगा देते हैं ना सर, लाइन का नहीं करते हैं ना सर। तो हम बीवीए में ही सेम यही चीज करेंगे। ओके सर, मैं इसको डेड कर देता हूं ताकि कंपेयरिंग कर सके आप, तो इसको ये तो लेना ही पड़ेगा। एन सेन एन वाई, ठीक है, फिर इसको कॉपी करता हूं। इसमें ये जो मैंने साइड में देखा है इसको मैंने डेड कर दिया है ताकि आप समझ सके, सिंगल कोड लगा दिया तो डेट हो गया। अब यहां पे हम देंगे स्लैश इन्वर्टेड कॉमा में, इसके साथ हम देंगे एम, हो गया। और इसी को हम यहां लिखेंगे, और इसके साथ यहां पे हम देंगे स्लैश, क्योंकि ईयर में स्लैश तो नहीं आया है, मंथ में स्लैश तो नहीं आया है, सिर्फ मंथ आया है ना, स्लैश तो लगाना पड़ेगा आपको। तो वन बाय वन 3 फोल्डर बन जाएगा। ललित जी अभिषेक जी आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है? सर एक चीज बस भी बता दीजिए, mkdir जो है ये फोल्डर बनाने के लिए है या फिर किस चीज के लिए होगा सर? ये बनाने के लिए है। आवाज कट रही थी सर आपकी, एक बार फिर से बोलेंगे? फिर फोल्डर बनाने के लिए, फोल्डर डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं ना। ओके सर, ओके ठीक है, ठीक है सर। ललित जी को डाउट इसमें आपको क्लियर है अभी? अभिषेक जी आपको नहीं सर, कोई डाउट नहीं है।
तो हमने क्या कर लिया, फोल्डर बना लिया, लेकिन फोल्डर बनाने से काम नहीं चलेगा, डेटा तो डाउनलोड होगा फाइल में ना सर। बिल्कुल सर, यस सर। तो फाइल के लिए क्या करेंगे, क्या सिखाया था लास्ट क्लास में सर? वर्कबुक बुक्स डॉट डॉट एड, और हमें सेव करना ही है तो डायरेक्ट सेव एज लिख देता हूँ। डॉट सेव एज, राइट सर। सेव एज में हमारा लोकेशन ये है क्या? लेकिन लोकेशन से तो नहीं होगा ना, इसमें फाइल का नाम भी तो देना होगा ना सर। डॉट, जी सर। तो हमें यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे डी और यहाँ पे डॉट एक्सलेस एक्स, जैसे कि 2016 हो गया तो स्लैश 16.xlsx, समझे? ये फाइल का पाथ बनेगा। यस सर, मतलब ये जो लास्ट में डी लगाया ये हमने फाइल का नाम दिया, वहां पे हम फाइल का नाम कुछ और भी दे सकते थे। या नहीं, कुछ और नहीं दे सकते ना सर, डेट के हिसाब से होगा तो सही रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके। डी नाम नहीं होगा, ये डी तो वेरिएबल है ना, जो डेट में से डे अलग होगा वो होगा, 16 है तो 16, 20 है तो 20। सर तो इससे पहले जो 16 लिया है वो भी तो डेट ही है हमारी। हाँ सर, वो भी एक दो बार डी फोल्डर हो गया ना। देखिए इस तरह का पाथ चाहिए, डायरेक्टरी, फोल्डर, सब फोल्डर, अगेन सब फोल्डर, देन नाम और एक्सटेंशन। ये जो डी है 16, ये इस पर ये ए है क्योंकि फोल्डर दे रहा है, इस फोल्डर के अंदर में मुझे डी नाम का फाइल बनाना है। मतलब डेट का भी अलग फोल्डर होगा क्योंकि बहुत सारे डेटा डाउनलोड करने होते हैं ना सर, इसलिए। अच्छा हाँ सर, मतलब अगर एक ही डेट में मल्टीपल डेटा होंगे तो वो वन बाय वन डेट के हिसाब से नीचे आ जाएंगे। बस गए? यस सर। अब क्या है कि फाइल ओपन रहेगी तो हम इसको कर देते हैं एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। एक्टिव वर्कबुक क्यों किया सर? वो एक्टिव होगी कि जो ओपन हुई है वही एक्टिव होगी। क्यों एक्टिव रहेगी? क्योंकि सर वो वही फाइल कंट्रोल एन, मतलब जो आपने बताया था ना, जो फाइल ऐड हुई है वही फाइल एक्टिवेट रहेगी, सिंपल वही एक्टिव रहेगी। यहां पे मैं ट्रू क्यों दिया क्लोज में सर? क्योंकि कोई यस करने के लिए फाइल यस एंड नो पूछता है, तो हां जब फाइल क्लोज करते हैं सेव के लिए पूछता है ना, तो मुझे यस करना इस मुझे इस फाइल में डाउट लग रहा है, ये फाइल नहीं चलेगी सही से, यही दिक्कत है। अब देखिए आप बताइए कहां पे दिक्कत है। अभिषेक जी, हाँ जी सर, पढ़िए कोड को, पढ़िए और समझिए, और एक्सेल की जैसे सोचने की ना, सिस्टम की तरह सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को सिस्टम मानिए और उसके जरिए सोचने की कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा क्या एरर का कि क्या दिक्कत, एरर नहीं है, क्या दिक्कत है इसमें। यस सर, वही देख रहा हूँ मैं। सर इसमें हमने सर वाई एम और डी है ना सर, जैसे तो ये सर ये कहीं पे हमें बताने पड़ेंगे कि ये क्या है या डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू चली जाएगी? नहीं, बताने की जरूरत नहीं, हमने नहीं बताया तो ऑटोमेटिक इसको ये ले लिया इसने। ओके सर, वैसे भी ये हम बता चुके हैं सर, फर्स्ट स्टेप में हमने इनको वैसे भी डिक्लेयर ही किया है कि ये YD और MD है। सर मुझे तो सब कुछ नहीं लग रहा है सर, एक सिंपल सी दिक्कत है सर, बड़ी दिक्कत, आप थोड़ा दिमाग लगाइए सर। देखिए एक प्रोग्राम बनाना बड़ी आसान है सर, लेकिन किसी के प्रोग्राम में प्रॉब्लम निकालना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना मुश्किल है। सॉल्यूशन तो मिल जाता है, प्रॉब्लम ढूंढना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर चल क्यों नहीं रहा, गाड़ी बिगड़ जाती है
मैकेनिक सबसे पहले क्या करता है सर, प्रॉब्लम देखता है प्रॉब्लम कहां से रही है। अगर उसको प्रॉब्लम मिल जाता है तो ठीक करने में टाइम लगता है उसको सर। चीज यहाँ है और थोड़ा सा सोचिए सर, दिमाग पर जोर दीजिए सर। अब रहने दीजिए, ज्यादा जोर मत दीजिए, पर रात में नींद नहीं आएगी सर। अरे मैं बता सिस्टम का देखिए, माइक्रो फर्स्ट टाइम चल जाएगा, सेकेंड टाइम माइक्रो नहीं चलेगा। रीजन ए सिस्टम कहता है कि एक लोकेशन में एक नाम के दो फाइल क्रिएट नहीं हो सकते। 2020 तो साल में मुझे एक ही बार क्रिएट करना है सर। महीने का फोल्डर एक ही बार क्रिएट करना है ना, पर माइक्रो तो रन होगी हर एक दिन। बात समझ रहे हैं? यस सर। पता चला है क्या प्रॉब्लम है? ये आप बोल रहे हो कि हर बार ये ईयर भी न्यू क्रिएट करेगा और मंथ भी न्यू क्रिएट करेगा। तो भाई इसमें हमने कुछ ऐसा मेंशन कर रखा है कि एक ही बार क्रिएट करो, जब भी माइक्रो रन होगी हर एक लाइन वर्क करेगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जैसे आप इसको रन करेंगे आपको क्या बोलेगा, एक्सेस या फाइल पाथ एक्सेस एरर। क्या ये एरर जेन्युइन है? तो इसमें आपको दो चीजें होगी, पहले आपको चेक करवा लेना होगा कि क्या ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट ना करें। बात समझे? जी सर। तो आपको ये चेक करवाना होगा कि क्या ये फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको क्रिएट नहीं करना होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है देन क्रिएट करें। एक तरीका हो गया जो कि लेंदी है। दूसरा तरीका यह है कि इस लाइन में एरर दिया तो हम एक कह सकते भाई इस लाइन को छोड़ो इसको चलो। अगर इसमें भी एरर है तो इसको छोड़ो और इसको चलो। अगर इसमें भी एरर है तो इसको चलो। बात समझे? मतलब क्योंकि एरर जो होगा पूरी प्रोग्राम में नहीं होगा, वो किसी एक लाइन में होगा और VBA एक एक लाइन करके चलता। अगर यहां एरर आया इसी पे रुक जाएगा, नीचे का फीचर को चेक ही नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस लाइन में एरर है उस लाइन को स्किप कर दो। समझे? यस सर। लाइन स्किप हो जाएगी तो फोल्डर क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि फोल्डर ऑलरेडी है तो हमें क्रिएट क्यों होता है, उसके अंदर चला जाएगा। बिल्कुल सर। यस। क्योंकि यहाँ बोले गए सर ऊपर वाला लाइन अगर एरर हो गया फिर नीचे कैसे चलेगा, कहने का मतलब है कि ये एरिया जो है ये एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है इसके अंदर इस एरिया का नाम बना देगा। अगर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर इसके नाम से फोल्डर बना देगा। समझे नहीं समझे? जी सर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर एक लाइन याद रखिएगा कि ऊपर में एक लाइन लिख दीजिएगा ऑन रिज्यूम नेक्स्ट। सर एरर में ई एक्स्ट्रा लगा है लास्ट में। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। मैक्रो चला तो कंफर्मेशन नहीं आया ना, यहां मैसेज बॉक्स लगा दीजिए MSG बॉक्स फाइल स्लैश फोल्डर तो यहाँ देखिए 2020 में 7 के अंदर 16 के अंदर 16 नाम का फाइल आ गया। राइट सर। एक काम करता हूँ 7 का फोल्डर डिलीट करता हूँ और 7 का फोल्डर डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको चल रहा है। अगेन फाइल फोल्डर क्रिएटेड मैसेज आ गया। देखिए 7 का फोल्डर आ गया, 16 का आ गया, 16 नंबर का फाइल। अभी कोड को फिर से ध्यान से देखिए,
क्या इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन है? सर मुझे है ना बस ये डेट डेट वाले में थोड़ा सा है कि ये जो 16-16 करा है ना हमने, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जब हम एक बार ऑलरेडी डेट दे चुके हैं। मैं ये नहीं समझे कि 16 नाम का फोल्डर है, 16.xls फाइल है। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर हम 16 की जगह अगर कोई और नाम देंगे तो वो भी फाइल का ही नाम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, फाइल का नाम, हाँ फाइल का नाम भी वही होगा, क्योंकि हमने डी को ही ले रखा है। अगर फाइल अगर कोई और देते तो फिर फाइल का नाम अलग रखना पड़ेगा ना, और इससे ये ऑटोमेट है ना, क्योंकि हम हर बार फाइल का नाम नहीं ना दे सकते हैं सर, एक नाम का सेम फाइल का नाम नहीं बनाएंगे। तो लगता है कि मेरा डेटा फिक्स है इसके, तो आप इसके डी को हटा दीजिए और यहीं पे डेटा डॉट एक्सलेस कर दीजिए, हर बार वो डेटा ना फोल्डर ही बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पाथ बनेगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। फिर दिक्कत होगी अगर फाइल ओपन, मुझे दो डेट की फाइल ओपन करनी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? हाँ वो फिर ओपन नहीं होगी, एक नाम के दो फाइल एक बार ओपन नहीं ना होगी। यस सर, यस समझ गया। या फिर मान लीजिए मुझे पूरे महीने का फाइल एक फोल्डर में डालना होगा तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। राइट सर, प्लान बनाते समय आपको फ्यूचर के हर एक एंगल से सोचना होगा कि यूजर ने अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। सर समझ गया, और कोई डाउट इसमें? अब इस काम को आप लोग जो है आपकी रिकॉर्डिंग में तो आ गया होगा, आप एक बार वीडियो देख लीजिए और इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह करके आप खुद से रख करके देखिए। ठीक है, ठीक है सर। थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन, जैसे आपने फोल्डर नाम चेंज कर दिया, समझ गया ना, या फोल्डर ईयर के साथ कुछ और लगा दीजिए, फिर छोटे छोटे चेंजिंग करें, फिर चेंजिंग को देखें, फिर धीरे धीरे चेंज को और बढ़ाते चले जाए। कोई कंफ्यूजन हुआ, कोई दिक्कत हुआ, किस तरह का एरर आया तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम एरर को देख के आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस से कुछ क्वेश्चंस या डाउट है आपके पास? नहीं सर, अभी तो नहीं है मेरे पास। नहीं सर, वो आपने जितने भी दिए थे वो सारे हमने वन बाय वन रन करा के देखे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी ऐसी। ठीक है, तो जैसे कल मैंने आपको बताया, कल नहीं लास्ट क्लास में जो आपको मैंने बताया था सीट हैंडलिंग, ऐसे ही आपको कल की क्लास, तो फाइल हैंडलिंग था ना वाला, कल की क्लास में आपको हम सीट हैंडलिंग कराएंगे। ठीक है, ठीक है। पूछे थे सर?